हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज स्टैंडर्ड 10 में इंग्लिश में 4 मार्क्स का एक ऐसा क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं जिसमें आप आसानी से 4 मार्क्स गेन कर सकते हो। वो क्वेश्चन में आपको एक डेटा दिया जा सकता है, वो डेटा में किसी भी कोई कार्ड होगा, कोई इन्विटेशन कार्ड हो सकता है, कोई RC बुक हो सकती है, कोई लाइसेंस हो सकता है, किसी भी प्रकार का डेटा जो हम यूजली यूज करते हैं ऐसा डेटा दिया होगा और इसमें से क्वेश्चन दिए होते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको डेटा में से फिल करना है। बहुत ही आसान है। कैसे, आज एक हम इसका एग्जांपल लेते हैं। मैं हूं रोहित और फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत है। लेट्स लर्न, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको स्टडी द डेटा एंड आंसर द क्वेश्चन ऐसा आपका हेडिंग होगा और नीचे एक डेटा दिया गया होगा। आज का डेटा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ द शांति निकेतन वेड़ावर कोर्डियली इनवाइट यू टू, आप वर्ड पे ध्यान करना, इनवाइट यू टू द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ शांति निकेतन चीफ गेस्ट ऑनरेबल MLA श्री नितिन दवे वेन्यू शांति निकेतन नियर स्टेशन रोड वेड़ावर डिस्ट्रिक्ट गिर सोमनाथ टाइम 11 AM। आपके माइंड में क्लिक कर गया होगा तो ये कुछ कार्ड जैसा लग रहा है। और कार्ड कैसा है? इनविटेशन कार्ड है। किसका इनविटेशन कार्ड है? सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के लिए एक कार्ड है और वो कार्ड है किसका है? शांति निकेतन, जो ये स्कूल है शांति निकेतन, पहले ही लिखा है द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ शांति निकेतन वेड़ावर कोर्डियली इनवाइटेड यू टू, एक स्कूल का कार्ड है क्योंकि स्कूल यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है, आपको देखना पड़ेगा। द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, जहाँ पे प्रिंसिपल हो, स्टाफ हो और स्टूडेंट हो, तो वो कौन सी जगह हो सकती है? कोई स्कूल, कॉलेज या स्टडी रिलेटेड कोई भी संस्थान हो सकता है। तो इसमें आपने आपको बताया सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ शांति निकेतन, जो शांति निकेतन स्कूल है उसका सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन वो लोग कर रहे हैं और उसमें चीफ गेस्ट बुलाया है ऑनरेबल MLA वहां के जो है श्री नितिन दवे जी को बुलाया है और वेन्यू जो है शांति निकेतन नियर स्टेशन रोड वेड़ावर डिस्ट्रिक्ट सोमनाथ टाइम 11 AM। तो यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हो। फटाफट इसका क्वेश्चन हम देते हैं, क्वेश्चन के आंसर हम देते हैं। व्हाट इज दिस डेटा? तो मैंने पहले ही बताया कि ये है एक इनविटेशन है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसके सामने इनविटेशन। दूसरे नंबर पे जाता है हाउ मेनी इयर्स हैज द स्कूल कंप्लीटेड। यहाँ पे कहीं पे भी आपको इसके पूछ क्या रहा है देख लेते हैं। हाउ मेनी इयर्स हैज द स्कूल कंप्लीटेड, ये स्कूल ने कितने साल कंप्लीट किए हैं। तो आपको यहाँ पे भी तो कुछ ऐसा डेटा नहीं मिलेगा जिसमें लिखा हो 10 इयर्स, 15 इयर्स, 5 इयर्स, पर एक सेंटेंस यहाँ पे लग लिखा है द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। सिल्वर जुबली कब मनाते हैं? जब किसी भी संस्थान के या किसी भी वस्तु के या किसी रिलेशन को 25 इयर्स कंप्लीट होते हैं तब हम सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन मनाते हैं। तो यहां पे क्या आएगा? 25 इयर्स। वेन्यू मींस, यहां पे वेन्यू तो लिखा है पर ये वेन्यू का मतलब क्या है ये पूछा है। तो आप देखो इस पे क्या लिखा है, शांति निकेतन वो क्या है? स्कूल। और नियर स्टेशन रोड कहां पे है? स्टेशन रोड के बाजू में, वेड़ावर डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट गिर सोमनाथ में है और जो लोकेशन है वो वेड़ावर है। तो वेन्यू क्या बताता है? वो कौन सा प्लेस है वो बताता है, वो स्थान कौन सा है वो बताता है। तो उसमें आंसर में क्या आएगा? प्लेस। बहुत ही आसान है लेकिन आपको थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा और उसका आंसर देने हैं। दिस इनविटेशन इज सेंट बाय, किसने भेजा है इनविटेशन? तो उसमें किसी सारे बच्चों के आंसर देखे जिसमें उसमें लिखा था चीफ गेस्ट ऑनरेबल MLA श्री नितिन दवे। किसी ने चीफ गेस्ट लिखा था, किसी ने MLA श्री नितिन दवे का नाम लिखा था। लेकिन आप देखो कि इनविटेशन कौन भेज रहा है, कि जो भाई जो मनाने वाला है, जो
उत्सव मनाने लायक जो सेलिब्रेशन करने वाला है वो इन्विटेशन भेजेगा, तो वो कौन है? शांतिनिकेतन स्कूल। तो सेंट बाय यहाँ पे हम स्कूल लिख सकते हैं, ए स्कूल। दिस इन्विटेशन इज सेंट बाय अ स्कूल, स्कूल जो प्रशासन है, जो स्कूल है वो इन्विटेशन भेज रहा है। तो ये था आज का वीडियो। इसके और सारे कई प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ये इन्विटेशन कार्ड था, इसके बदले में कोई आपको आरसी बुक, जो व्हीकल की आरसी बुक होती है वो भी यहाँ पे बताई होती है, और उसमें पूरी व्हीकल की डिटेल होती है, उसमें से क्वेश्चन निकाले होते हैं, और भी कई प्रकार के, जैसे पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड का डिटेल भरा होता है, एक बार जो फोटो लगा हुआ आता है, पैन कार्ड की डिटेल सब रहती है, उसमें से क्वेश्चन निकाले होते हैं। यानी कि आपकी हर रोज की जो सिचुएशन होती है, हर रोज जो आप यूज करते हो उसमें से कोई भी डिटेल या डेटा निकाला होगा, और बहुत ही आसानी से आप 4 मार्क्स गेन कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी मोटिवेशन और बढ़ती रहे और आपके सामने वैसे ही कई वीडियो हम लाते रहे। सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके लिए आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय स्टूडेंट्स।